प्रियदर्शी कैरियर इंस्टीट्यूट का सीमा कुशवाहा के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। सीमा कुशवाहा ने जो कुछ कहा सुनिए एक बार। प्रियदर्शी कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रभुमन प्रियदर्शी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने बच्चों को शिक्षित करने का एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। वैसे भी आज संचालन शिक्षा का हब बना हुआ है। यहाँ पर उपस्थित टीचर और सभी छात्र छात्राओं को नए साल की बधाई के साथ उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये न्यू वर्ष में आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। साथियों आपको सच बात बताऊं, अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाबी की एक कमी भी मान है कि आपको संगत और एडवांस प्रेयर करना पड़ेगा। इंसान की कीमत नहीं होती है, उसकी संगत की कीमत होती है। जब आप लोग चाय पीते हैं तो ठेले वाला आपको 10 रुपए की चाय पिलाता है। जब आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही चाय 25 रुपए में पिलाता है। जब आप फोरस्टर में जाते हैं तो वही चाय 90 रुपए की हो जाती है। अगर किसी फाइव स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय 400 रुपए की हो जाती है। तो मुझे बताइए कि चाय वही है कि अलग अलग है? चाय पीने की जगह बदल गई। जैसे जैसे चाय ने अपनी जगह बदली उसकी कीमत बढ़ती ही चली गई। ठीक वैसे ही मेरे साथियों, इंसान जैसे जैसे जिन जिन लोगों के बीच बैठना शुरू कर देगा वैसे वैसे उसकी भी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अच्छी संगत बनाए और आप सब मन लगाकर पढ़े। मैं आप सबकी हर परिस्थिति में मैं आप सबके साथ खड़ी रहूंगी। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। मंजिल अवश्य पा लेता है वो शख्स जो हार नहीं मानता। इमाम कुमार जी और अन्य सभी गाजीवन सभी लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और पूरी तरीके से हम अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों को पढ़ाई पर और अन्य चीजों पर इस सब पर बल दिया जाएगा। पूरा ध्यान से सब चीज जो भी गाइड किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अन्य जो भी दिक्कतें हैं जो भी परेशानियां हैं उन सबको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। और हमारे यहाँ जो भी है हम ज्यादा सोचेंगे अन्य टाइप के जो भी फैकल्टी है पढ़ाई की जो भी सुविधा है व्यवस्था है उनको हम ज्यादा प्रयास करेंगे कि उसको आगे से हायर लेवल तक लेकर जाए। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लेकर जाते हैं तो हमारे आने वाले समय में अगर ऐसा ना हो कि जो भी बच्चे हैं शिक्षा के लिए वंचित हो, इसलिए मेरे को ज्यादा कदम उठाना है कि आने वाले समय में जो भी बच्चे हैं वो एक भी ऐसा ना हो कि पहले जैसा मतलब पुराने समय जैसा ऐसा ना हो कि शिक्षा की कमी हुई। तो मेरे को आने वाले समय में इतना टारगेट रखना है कि सभी बच्चे आने वाले भविष्य में सबसे आगे चलकर के अपना भविष्य उज्जवल करेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस प्रकार हमने मेहनत कर रखा है और मेहनत आगे भी करते रहेंगे और इसी प्रकार मेहनत हमारा जारी रहेगा। इसलिए आप सभी से और आप सभी गार्जियंस अन्य सभी स्टूडेंट सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी मन लगा करके जिस प्रकार प्रियदर्शी के रिलेटिव आपको मेहनत कर रहा है उसी प्रकार आप सभी को भी मेहनत करना होगा। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है अगर उसको उसी तरीके से फल की प्राप्ति होती है तो उसको रात दिन वो मेहनत करता रहेगा। इसलिए आप सभी को मेरा यही है कि आप सभी पढ़ते रहे और सभी सहयोग के साथ मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें। ठीक है,